मैं आपका दोस्त चुनु जी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए टू जेड आओ सीखे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे क्लीन कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप में कंप्यूटर में जो है एक अनयूज फाइल बनता जाता है और उसको हम कैसे क्लीन करके अपने कंप्यूटर को और फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा यूज करने के बाद वर्क करने के बाद जो है अनयूज फाइल कुछ बन जाते हैं, उसको हम कैसे क्लीन करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो ये कुछ कमांड जो है हम पहले से लिख के रखे हैं जो आपको यूज करना है और आपका ये कंप्यूटर क्लीन हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हमको जाना होता है स्टार्ट मेनू पे। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद हमको दबाना है R, ठीक है, सॉरी आप ये जो है विंडोज दबाना है, विंडोज प्लस R दबाना है। उसके बाद ये देखिए, तो हम यहां से लिख रखे थे पहले, जैसे ये टैम्प है तो अगर हम इसे कॉपी कर लीजिए चाहे वहां पे आप लिख लीजिए, ये देखिए खुला हुआ है, तो हम पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके करना होता है। ये देखिए ये सब जितना भी है ये अनयूज फाइल है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर में बना हुआ है तो इसको करना होता है डिलीट। अब देखिए हम डिलीट कैसे करेंगे, तो डिलीट करने से पहले आपको करना होता है शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हैं तो ये सीधा आपके कंप्यूटर से बाहर चला जाता है, ठीक है। और ये कुछ फाइल जो ऑन रहता है, जो इस समय में एक्टिव है, मतलब वो कुछ कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, इसीलिए ये डिलीट नहीं हो पा रहा है, इसको स्किप कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा में, जो नेक्स्ट कमांड है उसमें। तो फिर से हमको करना क्या है, ये आपके कीबोर्ड में जो होता है विंडोज का की होता है और आर दबाना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो दिख रहा है PREFETCH, इसको आपको कर लेना है कॉपी, प्रेफेक्स को कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर लेना है, सॉरी यहाँ पे रन कमांड में पेस्ट करना है, या फिर आप कहीं लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लिख के डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये कितना सारा बना हुआ है, ये सिर्फ यूजलेस है, इस पे कोई काम नहीं होगा इसका, ये सब सिर्फ कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर के ऊपर और लोड बढ़ाता है, ठीक है। तो इसको भी कैसे करना है, पहले ऑल सेलेक्ट करेंगे, कैसे, कंट्रोल के साथ हम कंट्रोल दबाएंगे फिर ए दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें काम नहीं कर रहा। तो आप क्या करेंगे, माउस के जरिए जो है आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, आप पुश कर लेंगे, खींच लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट हो गया, फिर शिफ्ट दबाएंगे और डिलीट कर दीजिए, ये सारा डिलीट हो गया। उसके बाद फिर उसी तरीके से क्या करना है, विंडोज दबाना है, आर दबाना है, उसके बाद लिख देना है टेम्प, TEMP जो लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से कंटिन्यू कर लेंगे, फिर से जितना सा देखिए ये सब यूजलेस फाइल है, इस सब का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये कंप्यूटर को स्लो करता है। फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ डिलीट करना है, कंट्रोल दबाना है और डिलीट कर लेना है, सॉरी शिफ्ट के साथ ही करना था, वो कंट्रोल दब रहा था बार बार, शिफ्ट के साथ ही कंट्रोल कर, शिफ्ट के साथ आपको डिलीट का बटन दबाना है और उसको यहां से कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके का, अब यहां पे आता है रिसेंट, एक बच गया है ऑप्शन जो रिसेंट का है, तो इसको भी कर लेते हैं, विंडोज प्लस आर दबाएंगे, फिर से यहां पे रिसेंट लेंगे, RECENT और एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद
रिसेंट में देखिए जो जो फाइल खुला हुआ रहता है उसका भी एक बना हुआ रहता है, तो आप क्या करेंगे उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट कर लिए, और इसको भी कैसे डिलीट करना है, शिफ्ट दबा दीजिए, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर क्लीन हो जाता है। उसके बाद भी एक और ऑप्शन आता है कि आप कैसे और क्लीन कर सकते हैं, तो हम बता देते हैं आपको कि आपको आना है कंप्यूटर को क्लिक करना है और सी ड्राइव में आना है, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको जाना है जनरल में है ही, बताते हैं आपको कहां से क्लीन करना है, डिस्क क्लीनअप है यहां पे, जनरल में गए आप, डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन है, आपको यहां से करना है क्लीन। अब देखिए जैसे ही हम वो क्लीन किए हैं तो ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे खुल के, जैसे यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पे करेंगे तो ये ऑप्शन आ गया है कि अब आपका कौन कौन सा फाइल है, तो आपको करना क्या है, ये जितना भी है सब पे टिक लगा लेना है, ये सब पे टिक लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपके सी ड्राइव में जो भी नेट चलाने के दौरान या फिर और भी कुछ काम करते हैं तो ये जो आपको बस यही समझिए कि वो फालतू का फाइल आ जाता है, तो इसको हमको डिलीट करना होता है, जिससे मेरा कंप्यूटर क्लीन अच्छा है और फास्ट भी हो जाता है। तो अब यहाँ पे कर लेंगे क्लीन अप सिस्टम, देखिए और ये क्लीन हुआ है, ठीक है। अब दो बार भी देख लेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना सारा है आप देख लीजिए, सब पर टिक लगा देना है। ठीक है, इस पर कर देना है ओके, और यहां पे देखिए आ गया ये, तो आपको करना क्या है, यहां से डिलीट कर देना है। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका जो भी ये फाइल है, ये जो आपके पास जो अनयूज फाइल होता है वही आता है, तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। अब ये देखिए डिलीट हो रहा है, ठीक है, आपका हो गया ये डिलीट हो गया, जिससे आपके कंप्यूटर को काफी आपके कंप्यूटर जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और क्लीन होने के कारण जो है कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता, हैंग भी नहीं करता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।